हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और मतलब अभी जॉब कार्ड तो फाइनली स्टार्ट कर दिया है हम लोग ने, और पिछले 1-2 दिन से। और मतलब अभी थोड़ा काम स्लो चलेगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो बताया कि मैं मणिपुर से भाग के आया हूँ अपना कैसे भी जान बचा के। तो अभी यहाँ पर जस्ट कोलकाता में सेटल हुआ हूँ और मुझे थोड़ा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी वजह से थोड़ा 2-5 दिन थोड़ा काम डिले हो सकता है, थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, 2-5 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप हमारे मतलब प्रोडक्ट आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग को लेके आ गया हूँ आज अच्छे अच्छे यूज पीसी पार्ट से। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा ये है पावर कलर का रेड डेविल 6700XT, और इसका बिल अवेलेबल है और बिल अवेलेबल हो जाएगा। और 1.10 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 1 साल 10 महीना पुराना है, तो 3 साल की वारंटी के साथ आता है। तो आप कैलकुलेट कर लो यार कितना बाकी है। मेरे ख्याल से कितना बाकी होगा, 16 महीने ऐसे कुछ होना चाहिए। आप फिर भी आप अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लेना। और इसका प्राइस होगा 21,000 रुपये, 21,000 रुपीज़ शिपिंग मिला के, तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा डील है। और ये मतलब और ये क्या बोलते हैं, मतलब वारंटी भी अच्छा खासा बचा है, प्राइस भी अच्छा ही लगा मुझे। तो जिसका बजट अगर 20-21 हज़ार के आसपास में है या 6700XT ढूंढ रहे हैं तो ये वाला ले सकते हैं और अच्छा ही प्राइस है। ठीक है, अगला है ये है MSI का RTX 3070 वेंटस 2X मॉडल जो आता है ये है, और इसका वारंटी है नवंबर 2024 तक इसकी वारंटी है। और बिल बॉक्स मिल जाएगा आपको, और इसका प्राइस पड़ेगा आपको 26,500 रुपीज़। तो जिसको अगर RTX 3070 ढूंढ रहे थे वो भी अच्छा ब्रांड MSI का मिल जाएगा आपको, और प्राइसिंग भी अच्छा है, जिसको चाहिए ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है, और इसके बाद है, और दोस्तों अगला प्रोडक्ट बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। जैसे आप हमारे वेबसाइट से ऑर्डर कर देते हैं तो हमारा जो आपका ऑर्डर नंबर है और आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो हमारे चैट सपोर्ट व्हाट्सअप चैट सपोर्ट नंबर भेज देना। हमारा व्हाट्सअप चैट सपोर्ट हमारे मतलब वेबसाइट के सबसे नीचे जाएंगे, वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप चैट सपोर्ट नंबर मेंशन होगा, आप उस नंबर पर हमारा अपना ऑर्डर इन्फॉर्मेशन भेज देना। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है Inno 3D का RTX 3060 iChill रेड ट्रिपल फैन वाला है, और इसका वारंटी टिल नवंबर 2024 तक है, और इसका बिल बॉक्स सब कुछ अवेलेबल है, और इसका प्राइस पड़ेगा 21,400 21,400 रुपीज़। तो जिसको चाहिए ले सकते हैं, RTX 3060 ट्रिपल फैन वाला है, अच्छा मॉडल है Inno 3D का iChill। ठीक है, और अगला है, उसके बाद अगला प्रोडक्ट है ये सेलर ने भेजा है प्रोसेसर मदरबोर्ड और 16 GB RAM, और जिसका बजट ये प्रोसेसर मदरबोर्ड और रैम जिसका बजट मान लीजिए 16 GB के साथ जिसका बजट 9 से 10 हज़ार रुपया है, ऐसे में किसी को अगर कॉम्बो चाहिए प्रोसेसर मदरबोर्ड रैम का तो ये है Core i5 6600K 6th जनरेशन का प्रोसेसर है, और आपका गीगाबाइट का H110 मदरबोर्ड, और 2 2 8 GB यानी कि 16 GB RAM टोटल DDR4 RAM, और इसका टोटल प्राइस आपको पड़ेगा 9,500 शिपिंग मिला के। आपको हमारे साइड से 7 डेज़ का टेस्टिंग वारंटी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से यार 9,500 में प्रोसेसर भी अच्छा ही है, आपको ये अभी भी मतलब बोल सकते हैं आपको मतलब गेमिंग आराम से करा दे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए अच्छे अगर ग्राफिक्स कार्ड अच्छा लगाते हैं, और रैम भी 16 GB RAM, तो मेरे ख्याल से ये कॉम्बो बहुत अच्छा प्राइसिंग है, जिसको चाहिए ले सकते हैं 9,500 रुपये में। ठीक है, और उसके बाद है ये गैलेक्स का है RTX 2080 Ti SG वाला जो मॉडल आता है, ये आउट ऑफ वारंटी है, लेकिन आपको हमारे साइड से 3 डेज का टेस्टिंग वारंटी मिल जाएगा, और टेंशन की बात नहीं, कार्ड बिल्कुल मस्त कंडीशन में है और बिल बॉक्स अवेलेबल है, और इसका प्राइस बढ़ेगा 22,000 रुपीज़ शिपिंग मिला के। तो इसको ये RTX 2080 Ti SG वाला मॉडल ले सकता है हमारे वेबसाइट से। ठीक है, और इसके बाद है जोटेक RTX 3070 Ti Trinity 8 GB, 2 ईयर्स की वारंटी बाकी है, और 2 ईयर्स की वारंटी बाकी है, और ज़्यादा इतना खास यूज़ नहीं हुआ है सेलर बता रहे हैं, और इसका प्राइस पड़ेगा 31,500 रुपीज़। तो जिसको चाहिए 3070 Ti Trinity वाला मॉडल 2 ईयर्स की वारंटी है, ये ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ये भी अच्छी प्राइसिंग है इसका भी। उसके बाद है एक और है आपका NVIDIA का RTX 3070 फाउंडर एडिशन मॉडल है, और 1 ईयर का स्टोर वारंटी है। स्टोर वारंटी मतलब आपका सेलर साइट के वारंटी है। तो आप सोचेंगे कि आप जोकार्ट से ले रहे तो सेलर से आप कैसे कांटेक्ट करेंगे, ये सेलर से कैसे, तो ये जो सेलर है हमारा काफ़ी पुराना सेलर है, और बोल सकते हैं जोकार्ट का वेरीफाइड सेलर है।
तो आप स्टोर वारंटी बोलने से मतलब आप ये ऐसा मान के चल लीजिए कि ज़ोकार्ट की तरफ से आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, एक कंडीशन है, जो जो नॉर्मल जो ब्रांड्स के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो वारंटी के ग्राफिक्स कार्ड के, सेम हमारे भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्ड बर्न नहीं होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए इस टाइप का, या रस्ट नहीं होना चाहिए जिससे वारंटी अवॉइड हो जाता है, इस टाइप का कंडीशन में ना हो, बाकी सेम टर्म्स एंड कंडीशन, लेकिन आपको हमारे साइड से आपको 1 ईयर की वारंटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसको चाहिए 25,500 रुपीज़ में ले सकते हैं RTX 3070 फाउंडर एडिशन 1 ईयर का वारंटी के साथ। ठीक है, अगला है, यह है आसूस का RX 478 GB, और इसमें सिर्फ मैं आपको पहले बताता हूँ, इसमें सिर्फ DVI पोर्ट मिलेगा आपको, DVI पोर्ट है सिर्फ, ठीक है, HDMI पोर्ट नहीं है, इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर भी इसका इसमें हम आपको DVI टू HDMI अडेप्टर आपको, या कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, वो आपको हमारा साइड से आपको फ्री में भेज देंगे ग्राफिक्स कार्ड के साथ पैकिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, आपको पड़ेगा 5,999, और ये 478 GB मेरे ख्याल से ये 1050 Ti से भी बहुत 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 अच्छा कार्ड है, ये ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसको चाहिए ये 5 से 6 हज़ार में 478 GB मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डील है, ले सकते हैं, बहुत अच्छा कार्ड ये है, गेमिंग भी आपको अच्छा करा देगा। ठीक है, और ये है, और अगला तीन प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे खुद का है, और मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं मणिपुर से भाग के आया हूँ, तो अपना मतलब जल्दी जल्दी मैं तो वहाँ से जब मैं भाग रहा था तो मतलब जब मैं मणिपुर से घर छोड़ के भाग रहा था तो जब मेरा हाथ में कुछ मेरे जो घर में सामान थे तो काफ़ी सामान छूट गए, तो कुछ छोटे छोटे चीज़ थे जो मैं अपने बैग के अंदर डाल दिया जल्दी जल्दी भागते भागते, तो ये सब चीज़ है, ये SSD है, तो SSD है और प्रोसेसर है कुछ, मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। तो और मैं आपको बहुत अच्छी प्राइसिंग में आपको दे दूँगा, जस्ट स्टॉक क्लियर करना है मेरे को, क्योंकि मैं मणिपुर से जस्ट कलकत्ता शिफ्ट हुआ हूँ, तो सबको घर में छोड़ के आया हूँ, तो फंड का भी काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ मैं, तो मैं जल्दी जल्दी मैं आपको सस्ते में निकाल दूंगा, सस्ते में दे दूंगा दोस्तों, तो जिसको चाहिए ले सकता है। फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट है आपका ये, तो ये है क्रूशियल का पहला SSD है, क्रूशियल का BX500 मॉडल का नेम है, और 500 GB का ऐसे साटा SSD है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फोटो में। ठीक है, और ये है पूरा ब्रांड न्यू सील पैक है, ठीक है, पूरा सील पैक है, और इसको मैं लॉस में भेज दूंगा मुझे, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं मणिपुर से कलकत्ता भाग के आया, पूरा सामान छोड़ के आया, तो मैं कलकत्ता पहुंच के बहुत दिक्कत में हूं, और मैं आप लोग से फ्रैंक इसलिए पूरा बता दे रहा हूं, और मेरे को फंड का भी काफ़ी इशू चल रहा है, और बहुत कुछ अपने घर का बहुत पूरा सामान छोड़ के आया हूं। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये BX500 जो क्रूशियल का 500 GB का SSD है, ये मेरे ख्याल से 2,000 रुपये में है, मेरे ख्याल से यह 2,200 रुपये के अंदर है, 2,000 से 2,200 रुपये के अंदर है ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में, तो मैं आपको ये 1,600 रुपये में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास सिर्फ इसका 3 पीस उठा पाया हूँ भाई, घर से भागा तो 3 पीस उठा पाया उतने जल्दी जल्दी में, तो 3 पीस स्टॉक है, जिसको चाहिए जल्दी से ले लेना। ठीक है, और इसके बाद है आपका एक और, ये है कंसिस्टेंट का SSD है, S6 मॉडल जो आता है, और ये 512 GB का है, और ये इसका 512 GB का है, और ये भी ब्रांड न्यू सील पैक है, और ये मेरे ख्याल से मार्केट में आपको 1,800 से 2,000 रुपये में मिल जाता, तो मैं भी इसका भी सेम प्राइस आपको 1,600 रुपये में आपको दे दूंगा। ठीक है, ये पूरा ब्रांड न्यू सील पैक है। ठीक है, और इसके बाद है कुछ प्रोसेसर हैं, ओनली प्रोसेसर है, फ़ैन नहीं होगा इंक्लूड, तो फ़ैन इंक्लूड नहीं है, जो प्रोसेसर के स्टॉक फ़ैन आते हैं वो इंक्लूड नहीं है, तो लेकिन मैं आपको उसके हिसाब से डिस्काउंट दे दूंगा, आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से आपको 200-150 में आप ले लेना, लेकिन मैं उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट दे दूंगा जिससे आप फ़ैन भी खरीद पाएँ। ठीक है, तो ये है आपको इंटेल कोर i7-4790, और ये आपको मैं सिर्फ 3,999 रुपीज़ में दे दूंगा। ठीक है, तो इसका फ़ैन ही आप फ़ैन ख़रीद लेना ऑनलाइन। ठीक है, तो ये आपको 4790 i7 मेरे ख्याल से 3999 में कोई कहीं नहीं मिलना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, और इसके बाद है, ये सब मेरे प्रोडक्ट अभी हैं, और ये सब i5-6500 इंटेल कोर i5 प्रोसेसर 6500, ये आपको 2599 में दे दूंगा आपको, ये भी इस घाटे में दे रहा हूँ, लॉस खा के दे रहा हूँ। ठीक है, बस जल्दी से निकालना है। तो और इसके बाद है i3-6100 6th जनरेशन का है, इसको मैं आपको 1,600 रुपये में दे दूंगा,
माइक चला गया क्या? नहीं चला नहीं गया। उसके बाद है इंटेल, इंटेल का प्रोसेसर है G6540, ये भी आपको 1600 रुपये में दे दूंगा। और इंटेल का G5900 प्रोसेसर, ये भी आपको 1600 रुपये में दे दूंगा। और ये जितने प्रोसेसर मैंने आपको बताए सभी में गेमिंग हो जाएगा। जो G वाला जो सीरीज़ है G6540 और G5900, ये थोड़ा मतलब इतना हाई एंड नहीं है, लेकिन आपको इसमें ग्राफिक्स कार्ड लगाना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से, और इसमें आपको गेमिंग भी मतलब ठीक ठाक करा देगा। इस प्राइस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, आपको गेमिंग करा देगा जिस प्राइस में आपको दे रहा हूँ। 1600 रुपये में आपको ऐसा प्रोसेसर तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो ये कुछ जो कुछ SSD और ये प्रोसेसर है, ये आप सस्ते में जल्दी से उठा सकते हैं भाई, सिर्फ एक एक दो दो पीस है सबका, तो जिसको चाहिए ले सकते हैं। तो आज बस इतना ही आप लोग के लिए प्रोडक्ट लेके आया था दोस्तों। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख दो यार, क्योंकि मैं कोशिश करता रहूँगा यार कि मैं अपना वीडियो इम्प्रूव करूँ और जो प्रोडक्ट लाता हूँ आप लोग के लिए और अच्छे अच्छे प्राइसिंग में लाते रहूँ फ्यूचर में, और अच्छे अच्छे जितने अच्छे अच्छे सेलर से कॉन्टैक्ट होते रहेंगे, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग के लिए अच्छे अच्छे डील लाते रहूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना। बस आज के लिए इतने, चलो टाटा बाय बाय।